सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक तरफ तो हुकूमत को जो मईशत की सूरत हाल है इसकी वजह से खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी जानब आप हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन ने भी कमर कस ली है और ईद के बाद पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का फैसला किया गया है। क्या वाकई अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे पाएगी या नहीं, इस पर तो हम बहस करेंगे ही करेंगे। कल अफ्तार डिनर हुआ जरदारी हाउस में, उसमें तमाम तर सियासी जमातों ने मिल बैठकर किस तरीके से इस मुश्किल दौर से निकला जा सकता है इस पर गौर भी किया गया। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और आज नून लीग का इजलास हुआ और इस इजलास के बाद मरियम नवाज़ ने भी गुफ्तगू की, इस बारे में बात करेंगे। पहले इजलास की सूरत हाल जान लेते हैं। ज़ियाउद्दीन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। ज़ियाउद्दीन बताइएगा, इजलास में क्या गुफ्तगू हुई है, क्या लाहेअमल क्या तरतीब दिया गया है नून लीग की जानिब से? जी सुमैया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का एक आला सतही इजलास पार्लियामेंट हाउस अपोजिशन चैम्बर में आज मुनक्किद हुआ। इजलास में राजा जफरुल हक, शहद काका नवासी, मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने शिरकत की। इजलास में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, मरियम औरंगजेब समेत सीनियर क्यादत भी इजलास में शरीक की। इजलास में ईद के बाद महंगाई पर इत्तेजाज करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक इजलास में चारों सूबों के सूबाई सदूर को पार्टी की तंजीमी नौ के लिए जल्द करने की भी हिदायत की गई है। ईद के फौरन बाद डिविजनल कन्वेंशन के प्रोग्राम्स और फौरी तश्कील देने की भी हिदायत की गई है। मरकजी क्यादत को भी मुतहरिक होने की हिदायत कर दी गई है। इजलास के बाद मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्टी की क्यादत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर यकीन रखती है और उनका जो सबका बयानिया जो है वो एक ही है। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ का बयानिया मानते हैं। बयानिया यही है कि वही है कि वोट को इज्जत दो। उन्होंने ये मजीद कहा कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो मुल्क के साथ यही होता है जो अब हो रहा है। इन्हें मरियम नवाज का मजीद कहना था कि ये जो चोर दरवाजे से आए हैं इनका भी इतिसाब होना चाहिए, इतिसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। अलीमा खान ने जो जुर्माना भरे हैं वो नजर नहीं आ रहे, इसको सिलेक्टिव इतिसाब का वक्त में जो सिलेक्टिव इतिसाब किया जा रहा है इसको हम नहीं मानते। इतिसाब अगर करना हो तो वो न्यूट्रल इतिसाब होना चाहिए। इन्होंने मजीद कहा कि मैं इमरान खान को वजीर आजम नहीं मानती, वो कुर्सी की तोहीन है। इमरान खान पहले भी बता देते थे कि कुछ दिन बाद इस शख्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, वो निशानदेही करते हैं कि इस शख्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इन्होंने मजीद कहा कि ये जाली एहतसाब हो रहा है, आवाम की तर्जुमानी हुकूमत आनी चाहिए, जो आवाम के जो वुजरा हैं, जो इस वक्त हुकूमती वुजरा हैं, वो तर्जुमान बने हुए नैब के। जी बहुत शुक्रिया ज़ियाउद्दीन, हमें तमाम तर इजलास की सूरत हाल के बारे से ये बता रहे थे और जो मरियम नवाज़ ने गुफ्तगू की है उस हवाले से भी हमें आगाह कर रहे थे। मेहमानों का तारुफ करवा देती हूँ आपसे, फिर ज़रा तमाम तर सूरत हाल पर बहस करेंगे। अच्छी स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया लगारी साहब वक्त निकालने के लिए। और नून लीग की तर्जुमानी कर रहे हैं मौलाना अरशद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आगे जाके हमारे दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। खैर, कल जो अपोजिशन मिलकर बैठी है, यही अपोजिशन कभी पेट फाड़ के पैसे निकालने और दूसरों को सड़कों पर घसीटने के वादे और दावे और बयानात और ऐलानात करती रही है। आज ये अपोजिशन अगर इकट्ठी हुई है तो आवाम का दर्द महसूस करके इकट्ठी हुई है। आपको और हमें महंगाई की तरफ से मुल्क की मईशत जो गिर रही है, डॉलर जो महंगा हो रहा है, पेट्रोल की प्राइस जो महंगी हो रही है, बिजली गैस, इन तमाम तर परेशानियों की वजह से अपोजिशन इकट्ठी हुई है, लेकिन यही अपोजिशन पहले एक दूसरे के खिलाफ क्या बयान देती रही, आइए आपको दिखाते हैं। खान साहब से पूछें, जनाब इमरान खान साहब, आपने पीपल्स पार्टी के तीर को मोहर लगाई थी या नहीं लगाई थी? एक गठजोड़ नहीं, हम नवाज को घर भेजेंगे, मगर मियां साहब तुम घर नहीं जाओगे, तुम किसी और घर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम नवाज चली जाएगा। मियां साहब बताएं कि आप हिसाब कब देंगे, मैं आपको इनकी क्या क्या करप्शन बताऊं, कितनी हुई दीवार को मोदी के यार को। जो वोट आप इमरान खान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो वोट आप जरदारी को दोगे वो इमरान खान को जाएगा। ये अंदर से एक ही हैं, अंदर से मिले हुए हैं जरदारी इमरान भाई भाई। इस तरह तो होता है, इस तरह।
ये वही मरियम नवाज साहिबा हैं जो कहती थी कि जरदारी और इमरान भाई भाई, अगर आप वोट देंगे इमरान खान को तो वो जरदारी को वोट पड़ेगा। लेकिन यही मरियम नवाज साहिबा कल एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में थी, वो इसलिए थी कि वो चाहती हैं कि आवाम का भला हो। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कल जो तमाम गिरफ्तार डिनर हुआ और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें एक दूसरे के लिए क्या जबान इस्तेमाल की गई। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में हुई अपोजिशन की बड़ी इफ्तारी, बड़ी बैठक और बना बड़ा प्लान। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ मुश्तरक लाए अमल बनाने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से तमाम अपोजिशन जमातों को दावत इफ्तार दी गई जिसमें जमियत उलमा इस्लाम फे, अवामी नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और PTM रहनुमा शरीक हुए। अपोजिशन की बैठक के मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा ईद के बाद पार्लियामान के अंदर और बाहर एहतजाज होगा। तकरीबन सारी जमातें ने ऑलरेडी ईद के बाद अपना अपना एहतजाज का ऐलान किया है, वो एहतजाज भी होगा ईद के बाद पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर। और दूसरा ईद के बाद मौलाना फजल रहमान की सरबराई में इंशाल्लाह ताला एक APC होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का क्या पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ? मेरा ख्याल है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ है कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा दो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ने अपनी टर्म पूरी की। पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी हुआ और बड़े खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान में पहली मरतबा एक जमहूरी हुकूमत ने दूसरी जमहूरी हुकूमत को इकतदार पास ऑन किया। हमारे सियासी इख्तलाफात भी हैं, तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारी सोच भी मुख्तलिफ हो सकती है, पॉलिसी के मामला भी मुख्तलिफ हो सकते हैं। और आज का हदफ हुकूमत गिराना नहीं है, आज का हदफ पाकिस्तान की अवाम के मसाइल का हल है। अपोजिशन के गठजोड़ पर वजीर आजम इमरान खान ने तनकीद करते हुए कहा कि ये सारे जमहूरियत बचाने इकट्ठे हुए हैं, बदकिस्मती से इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। बड़ी अच्छी बात है, ज़ाहिर है आप लोग ही कहते हैं कि सियासत में सब कुछ चलता है, कोई बात आखिरी नहीं होती, हतमी नहीं होती, कोई अमल कोई फ़ैसला हतमी नहीं होता। अच्छी बात है कि आप लोग आज आवाम का दुख और दर्द महसूस करके आपस में बैठे हैं और इसलिए एहतजाज पर भी गौर कर रहे हैं। लेकिन यही अपोजिशन का इत्तेहाद हुकूमत आने के फौरन बाद भी नज़र आया था और फिर वो इत्तेहाद बिखर भी गया और कुछ आप लोग कर भी नहीं सके। उस वक्त के इत्तेहाद में और अब के इत्तेहाद में क्या फ़र्क है और क्या वाकई अपोजिशन अब कुछ कर दिखाने के मूड में है? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपोजिशन के इत्तेहाद बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं और ये इसी तरह ही चलता है तमाम जमहूरी ममालिक में। ये कोई नई बात नहीं है। अगर उस वक्त इकट्ठे नहीं हो सके तो अब इकट्ठे हो गए हैं और फिर अपोजिशन कभी भी नहीं चाहती कि वो हुकूमत को कमज़ोर करे या हुकूमत को गिराए, बल्कि उसकी सिमत जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। और इस वक्त जिन चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं पूरी कौम और ये मुल्क और ये इस मुल्क की हुकूमत, उससे अलहदा रहकर भी कोई हल मसाइल का नहीं निकल सकता। तो अपोजिशन इकट्ठी हुई है, मुस्बत रवैया है अपोजिशन का, मैं समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए और कौम के लिए बेहतरी होगी। सही हसन साहब, तो ये एहतजाज से क्या आपको लग रहा है कि महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी, डॉलर का रेट भी नीचे आ जाएगा, पेट्रोल प्राइजेस गैस प्राइजेस नीचे हो जाएंगे, ज़्यादा बेहतर नहीं है कि मिलकर बैठकर कोई हल निकाला जाए? नहीं तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना जी, ऐसे जो है वो इन मसाइल से अक्सर दो चार होती रहती हैं। हाँ। और वो कौम होने का मुजाहरा करती हैं, सबूत देती हैं। हुकूमत का काम है वो अपोजिशन को बुलाए, अपोजिशन से बैठ के बात करे, अपना रवैया जो है उसको ठीक करे। ठीक। जो उस पर रवैये में एक तलखी पाई जाती है वो नहीं होनी चाहिए। जो अपोजिशन हेल्प कर सके उसे करना चाहिए, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। जो अब ये तो कोई नहीं कि एक तरफ हुकूमत हमें चोर चोर कहती रहे, डाकू डाकू कहती रहे, एहतसाब से फरार कर इख्तियार कर रहे हैं ये कहती रहे, और दूसरी तरफ अपोजिशन जो है
वो उसके साथ पीछे पीछे चलती हुई नजर आए कि जी आ जाओ, हम आपकी हेल्प करने को आ रहे हैं। गवर्नमेंट को अपना रवैया मुस्बत करने की जरूरत है, और अपोजिशन अगर फिर नहीं करती तो उस पर तब बात हो सकती है। चलें, पॉइंट है कि नसन साहब हमारे साथ ही आप रहेगा। नजीर लगारी साहब, अच्छी बात है, आवाम का दर्द महसूस करना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं कर रही, चलें अपोजिशन ही करे, आपस में बैठे मिलकर कोई हल भी निकाले, एहतजाज भी करे। क्या आपको वाकई ऐसा लग रहा है कि ये अपोजिशन हुकूमत को ईद के बाद कोई टफ टाइम देने वाली है? एक तो ये है कि यही अपोजिशन है, इसके अलावा कोई और अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन की जमातें यही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, जमात इस्लामी और नेशनल पार्टी, जिन जमातों ने कल की इफ्तार पार्टी में शिरकत की है और अपना कंसेंसस दिया है, तो यही जमातें हैं, और यही जमातें ही कुछ पाकिस्तान के लोगों के लिए कर सकती हैं। आपको इन्हीं से उम्मीद बांधनी होगी। एक ये कि पाकिस्तान में तीन चार साल से जो एक बयानिया चल रहा है और एहतसाब इंतकाम की हद तक आ गया है और पाकिस्तान की बुनियादों को हिला कर रख दिया गया है इस एहतसाब या इंतकाम के नाम पर, जो कुछ भी हो रहा है और जिस अंदाज में भी हो रहा है और जिस तरीके से भी हो रहा है, वो उसने पाकिस्तान को दिया कुछ नहीं है, पाकिस्तान को कमज़ोर किया है और पाकिस्तान में यकजहती के का एक बहरान पैदा किया है, पाकिस्तान में ख़ुद मुख्तारी का बहरान पैदा हुआ है। तो इस सारी सूरत हाल से तमाम जमाती जाते, असल बात यही है जो हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे थे, अगर हुकूमत APC बुलाती और तमाम जमातों को दावत देती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। और इस कदर संगीन वो भी हुकूमत इल्ज़ाम का कार्ड खेल रही है, हुकूमत जो है वो इंतकाम का कार्ड खेल रही है, हुकूमत जो है वो अपोजिशन को कॉर्नर करना चाहती है, अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहती है। और ये कैसे मुमकिन है कि आप इस कदर शदीद बहरान का शिकार हों और मुल्क की पूरी लीडरशिप को आप दीवार से लगा दें? तो फिर उसका नतीजा यही निकलेगा कि जिस तरह से अब अपोजिशन जा रही है एहतजाज की तरफ, तो ये एहतजाज जो है वो बहुत तेज़ होगा, बहुत एग्रेसिव होगा। अग्रेसिव इस मायने में नहीं है कि तोड़फोड़ होगी, बल्कि एक पूरे का पूरे बयानिए के साथ आएगा और मेरे ख्याल में एक हद तक नतीजा खेज भी होगा। ठीक है, हमें नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया नदीम साहब। क्या हुकूमत कुछ खौफजदा है कि ये ग्रैंड लाइन्स बन रहा है, APC बुलाई जा रही है, एहतजाज का भी कह दिया गया अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत को कुछ खौफ महसूस हो रहा है या फिर हुकूमत भी अपनी कोई स्ट्रेटजी प्लान कर रही है इसके हवाले से? देखिए मोहतरमा, हुकूमत को खौफ तो उस वक्त होगा जब हुकूमत साहब का हुकूमतों की तरह उसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट होगा। इमरान खान साहब एक गैर रिवायती शख्स हैं, 22 साल स्ट्रगल करके वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उन्होंने स्ट्रगल की, अल्लाह करीब ने उनको पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर बनने में, अल्लाह ने उनकी मदद की। जहाँ तक किसी खौफ का तल्लुक है, हमें किस बात का खौफ हो, हमारा एजेंडा पाकिस्तान है, हमारा एजेंडा पाकिस्तान की आवाम है। मैं कल इन दोस्तों की जो अफ्तार डिनर देख रहा था तो मैं खुद बड़ा हैरान था कि ये वो तमाम हस्तियां यहाँ मौजूद जो पॉलिटिक्स की जो आखिरी हद होती है उसको क्रॉस करके एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया करते थे। आसिफ जरदारी साहब कहा करते थे नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है। चलें, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है ना, वो लोग जो आपकी जमात में शामिल हैं उनके खिलाफ तो आप लोगों ने ही बहुत सारे बयान दिए हैं, ऐसे बयान तो सियासत का हुस्न होते हैं ना, आप लोग खुद कहते हैं। जी जी, देखें कि किसी सेकंड क्लास थर्ड क्लास लीडरशिप के बारे में, और जो टॉप क्लास लीडरशिप हो जिनको जिन्होंने 3 दहाइयां इस मुल्क के इकतदार पर बराजमान होकर यहाँ लोगों को रिलीफ का लॉलीपॉप देकर कुछ ना किया हो, उनमें बड़ा फ़र्क होता है। पाकिस्तानी आवाम, मैं समझता हूँ ये इन्होंने अपने लिए एक ऐसा ही बुनियाद रख दिया है जो आने वाले दिनों में इन लोगों का अंदाज़ा होगा जो पाकिस्तान में रिवायती सियासत कर रहे हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है इस बात का कि पाकिस्तानी आवाम क्या महसूस कर रही है। आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, आप पाकिस्तान के आम आदमी से पूछें, इसमें कोई शक अगर नहीं तो बहुत कुछ महसूस कर रही है इस महंगाई से। नदीम साहब, अगर आम आवाम भी आ गई ना इनके साथ बाहर, फिर कोई खौफ होगा महसूस हुकूमत को कि आवाम जिसने इमरान खान साहब को यहाँ बिठाया है और वही आवाम अगर बाहर सड़कों पर आ गई तो फिर क्या होगा? मैं आपको एक अर्ज करूं, आम आवाम इनसे ये पूछ रही है कि ये तो आज से 6-7 माह पहले कहा करते थे पाकिस्तान के सियासी टॉर्जन, मौशी टॉर्जन के, जी हमने तो पाकिस्तान को एशिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बना दिया,
दुनिया के जो वर्ल्ड लेवल के सर्वे आ रहे थे उसमें ये शो कर रहे थे कि पाकिस्तान की तो बेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये मैं भी आम आदमी हूँ, मैं उस लॉट का हिस्सा हूँ जो गली कूचे की पॉलिटिक्स करती है। मैं सवाल करता हूँ अपने अपोजिशन के दोस्तों से कि वो 8-9 माह में आपके फैक्ट एंड फिगर कहाँ गए? इसका मतलब है आप कौम से झूठ बोलते रहे, आप कौम को गलत तरीके से मिस गाइड करते रहे, कौम को इकोनॉमिकल फिगर गलत देकर आप अंधेरे में धकेलते रहे। आप, मैं बड़ी ओपन बात करता हूँ, ये कौमी मुजरिम है। इन लोगों ने कभी कौम को सच नहीं दिखाया। इमरान खान इस कौम को सच दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का आम आदमी भरोसा करेगा, पाकिस्तान का आम आदमी इस तकलीफ को बर्दाश्त करेगा। इनका साथ नहीं देंगे। मुबारक के मार्जे वजूद में आया 27 रमजान मुबारक को। बिल्कुल देखें, चलें मैं वापस आऊंगी जरा राणा अर्शद साहब को भी बहस में शामिल करते हैं ना। राणा अर्शद साहब, ठीक है आप लोगों को आवाम का दर्द भी है, आपको इस बात का भी अंदाज़ा है कि महंगाई हो रही है, लेकिन अपने दौर हुकूमत में आप लोगों ने क्या किया? आप ही के दौर हुकूमत में अक्टूबर 2013 का अखबार है जिसमें पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है और 113 रुपये पर जहाँ पहुँचती है। अखबार कह रहे हैं आपकी हुकूमत के 8 माह बाद महंगाई की शराब बे इंतहा बढ़ गई, आवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। जब आपने अपने दौर हुकूमत में आवाम का ख्याल नहीं किया तो अपोजिशन में रह के आपको आवाम का ख्याल कैसे आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और रमज़ान मुबारक का दूसरे अशरे का जिस तरह आगाज़ है, मैं समझता हूँ कि ये हम सब के लिए रहमतों का महीना है, पाकिस्तान बढ़ने का महीना है। मैं गुजारिश ये करूँगा कम अज़ कम हमें रमज़ान मुबारक के तकद्दस का ख्याल थोड़ा थोड़ा सबको मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। मैं नज़ीर लगारी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ, उनके विजन पर हसन मुर्तज़ा साहब ने बात की, लेकिन नदीम कुरैशी साहब हमारे भाई हैं, गो वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन PTA के और नून के ख़िलाफ़ जीत कर आए हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन गुजारिश ये है वो कुरैशी साहब भूल गए हैं कि अगर अक्टूबर 2013 में 117 रुपए पेट्रोल था तो फिर रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमने 63 रुपए तक पेट्रोल को लेके आए, दुनिया ने देखा। अगर इंडेक्स स्टॉक एक्सचेंज के 19,000 तक के तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 54,000 तक लेके आए। आप लोग तो 9-10 माह में इत्तेजाज करना शुरू हो गए। जी मैं अर्ज करता हूँ, मैं मुझे आप एक मिनट दे देंगे? मैं जी नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, आप देख लें 9.5 माह गुजर गए, हमने तो गवर्नमेंट को गिराने की बात ही नहीं की, और इनकी तरफ देखें कि ये तो 8 माह में इमरान न्याई साहब कौमी असम्बली में आए नहीं थे, लानते बेचते थे, लेकिन इसके बावजूद 8 माह की तनख्वाह इन्होंने ले ली। ये समझते हैं ना कि जो ये करें वो हलाल है, जो दूसरे करें वो हराम है, ऐसे है नहीं। जो ये करते हैं वो हमेशा गलत करते रहे हैं। फिर खान साहब देखें, खुद कहते रहे कि जो IMF से पैसे लेगा हम नहीं जाएंगे, अगर लेने पड़े तो खुदकशी फरमा लेंगे। फिर ये IMF के पास नहीं गए, इन्होंने पाकिस्तान का इकोनॉमिक जो डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान की जो सालमियत है, वो IMF के मुलाजमीन के हैंडओवर कर दी। इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 22 करोड़ के अवाम के साथ कुछ जुल्म हो नहीं सकता। अली रज़ा बाकर कौन है? वो IMF का एम्प्लॉई। शब्बर ज़ैदी कौन है जो टैक्स कलेक्शन में हमेशा रुकावटें पैदा करता था, जो खुद टैक्स नहीं देता, आज वो टैक्स कलेक्शन का इंचार्ज बन गया। ये पिछले छमाही में जो 350 अरब इनका शॉर्टफॉल है वो FPR की कलेक्शन जो है, ये जरा ये खुद पैसे खाते रहे हैं। हलीमा बीबी जो है उसके लिए हलीमा बीबी के लिए बाकी के लिए ये चोर चोर के दाने लगाते हैं। मैं समझता हूँ कि न्याजी साहब और उनका पूरा टोला करप्ट है। चले ठीक है, सही है, गलत मुआशी पॉलिसियां हैं और जिसकी वजह से आप लोग खड़े हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है कि राणा साहब, हमने पहले नहीं इत्तेजाज किया, अब महंगाई बेरोजगारी लाकानूनियत को हमने। चले मैं पूछ लूँ ना, जरा हसन साहब से ही पूछ लूँ ना,
یہ احتجاج ہوگا کس طریقے سے اور کیا پلاننگ کیا کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو دعوت دی, بیٹھے مل کے, اب پلان کیا ہے, حکمت عملی کیا ہے حسن صاحب؟ یہ احتجاج ہوگا کس طریقے سے, دھرنا ہوگا یا پھر یہ پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہوگا, کیا ہوگا, کیا اسٹریٹجی آپ لوگوں کی؟ چلیں حسن صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لغاری صاحب, آپ کو واقعی ایسا ہے کہ کچھ اس مہنگائی کو کم کرنے کے لیے کوئی حل نکال لے گی اپوزیشن؟ اور کچھ بیانات ہیں میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں, حاصل بزنجو صاحب نے کل کہا اگر اپوزیشن فیصلہ کر لے کہ حکومت کو گرانا ہے تو یہ حکومت ایک ہفتے بھی نہیں چل پائے گی, تو لیکن پلان تو یہ نہیں ہے نہ ہی پیپلز پارٹی کا نہ نون لیگ کا, لیکن جس مقصد کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں یہ مقصد پورا ہو جائے گا؟ کم از کم ایک بات ہوگی, لوگوں کے سامنے آئے گا کہ انہوں نے 6 ارب ڈالر کے لیے IMF سے کون کون سے معاہدے کیے, کون سے معاہدے کی کون سی شکیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائی گئیں اور کون سی ایسی شکیں ہیں جو عوام کے سامنے نہیں لائی گئیں, اور پاکستان کا اس سے کیا نقصان ہوا, اور پاکستان کے اس 6 ارب ڈالر کے نتیجے میں پاکستان کا اپنا ٹوٹل اس کا کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا ہے, پاکستان کو اس سے حاصل کیا ہوا, آپ کے ملک کی 22 کروڑ کی آبادی کی ایک واضح اکثریت جو ہے وہ آپ کے اس پیکج کے بعد غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. اب آدھی سے زیادہ آبادی وہ تو پہلے ہی تھی غربت کی لکیر سے نیچے, مزید لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں. لوگوں کو ٹھیک طور پر 2 وقت کا کھانا 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہے, لوگوں کو سبزیاں دستیاب نہیں ہیں. آپ جا کر سبزی کی دکان سے, اور دکاندار کا قصور نہیں ہے, آپ جا کر وہاں سبزی کی دکان سے سبزی کا بھاؤ پوچھیں گے تو آپ کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوں گے, آپ جائیں گے گوشت لینے کے لیے تو آپ گوشت نہیں لے پائیں گے, آپ دودھ لینے جائیں گے دودھ نہیں لے پائیں گے, آپ کے بچے دودھ کے لیے تڑپ رہے ہوں گے مچل رہے ہوں گے لیکن آپ بچوں کو دودھ نہیں دے پائیں گے. اب لوگوں نے ادویات کا استعمال بھی ترک کرنا شروع کر دیا ہے. علی احمد کرد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے بہت سے دوستوں نے جو شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں انہوں نے دواؤں کو ایک دن کا ناغا کرنا شروع کر دیا ہے, اور یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی مریض اپنی دواؤں کے استعمال میں ایک دن کا ناغا کر دے تو اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں, تو لوگوں کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, بھوکا مار کر, ادویات سے محروم رکھ کر, غذائی اجناس نہ دے کر, اور انتہائی زیادہ قیمتیں جو ہیں مہنگائی کی شرح ایسی بڑھ گئی ہے. اور حکومت کا یہ ہوا کیا یعنی اس بات سے, اور اس کو اپنا کارنامہ قرار دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگوں کی کھال اتاریں گے, اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی لوگوں سے ہم پیسے نکالیں گے. انہوں نے کوئی نئے وینیو تلاش نہیں کیے ہیں, انہوں نے کوئی نئے لوگ ایسے تلاش نہیں کیے ہیں کہ جو ان کو ٹیکسز دیں, ٹیکسز تو وہی لوگ دے رہے ہیں جو پہلے سے دے رہے ہیں, اب انہیں کی کھال اتاری جا رہی ہے, اب انہیں جو ہے زندگی کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. پوائنٹ ٹیکن. لگاری صاحب, حسن صاحب, یہی وہ معاملات ہیں, یہی وہ پریشانی ہے. ایک سیکنڈ رانا صاحب, ذرا میں حسن صاحب کا ٹیک لے لوں. حسن صاحب, یہی وہ معاملات ہیں, پریشانی جس کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہوئے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کی حکمت عملی سے آپ یہ مقصد حاصل کر لیں گے کہ مہنگائی کم ہو جائے اور لوگوں کے حقوق ان کو مل جائیں؟ دیکھیں جی, میں ابھی سن رہا تھا آپ کے جو پی ٹی آئی تھے وہ بات کر رہے تھے. جی, میرا ایشو یہ نہیں ہے جی پی ٹی آئی کو برا کہا جائے, پیپلز پارٹی کو کہا جائے, نون لیگ کو برا کہا جائے, کس کو کہا جائے, ایشو اس وقت یہ ہے کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. ڈالر آئے دن مہنگا ہو رہا ہے, روپے کی بے قدری ہو رہی ہے, ایشیائے خرد و نوش جو ہیں وہ غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں, علاج کے لیے میڈیسن نہیں مل رہی, ہاسپٹلز جو ہیں وہاں پہ لوگوں کی باری نہیں آ رہی. یہ ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس اگر کیا جائے اور کہا جائے کہ یہ تمام مسائل کی جڑ پارٹی ہے, نون لیگ ہے, کیا اس سے غریب کو روٹی مل جائے گی, کیا اس سے غریب کو دوائیاں مل جائیں گی, کیا اس کو ایجوکیشن مل جائے گی, اس رویے کے خلاف میں کہتا ہوں کہ ساری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ یہ گالیاں دینے کا وقت نہیں ہے. اپوزیشن سے سوال نہیں کیے جاتے, اپوزیشن کو جواب دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اکانومی نہیں بہتر کر سکتے تو آپ اپوزیشن کو کہیں کہ آؤ ساتھ مل کے بیٹھیں. آپ نے وہی وزیر خزانہ لے لیا جو چور تھا, ڈاکو تھا, کرپٹ تھا,
جب زرداری کے ساتھ تھا, اب آپ نے اس کو کیوں لے لیا, آپ نے پھر اس کی پالیسی کو فالو کیوں کیا, کیوں اس کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں آپ؟ عجیب ہے کہ آدھا تیتر آدھا بتیر, میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا. بالکل صحیح حسن صاحب, کون سی سیاست ہو رہی ہے, کون سی سیاست ہو رہی ہے, پوائنٹ ٹیکن. ذرا میں رانا صاحب کا ایک ٹیک لے لوں. کچھ تصاویر ہیں, کل کی جو دعوت افطار تھی اس میں حمزہ شہباز صاحب کچھ الگ تھلگ سے نظر آئے, اور ان کو بات کرنے کا موقع دیا گیا جب پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اور نہ ہی انہوں نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش کی. یہ اس سے پہلے کے مناظر ہیں جہاں پر حمزہ شہباز الگ تھلگ ہیں. اس کے علاوہ جب پریس کانفرنس کے لیے بلاول بھٹو صاحب, مریم نواز صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے تھے, اور تمام لوگوں نے بات کری, لیکن حمزہ شہباز کو موقع بات کرنے کا نہیں دیا گیا, یا پھر انہوں نے خود ہی بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. رانا صاحب, پارٹی میں بیانیہ کس کا چل رہا ہے, میاں نواز شریف صاحب کا یا میاں شہباز شریف صاحب کا؟ جی سمیہ, میں عرض کروں گا, ابھی یہ جمعرات کو میں خود جیل میں گیا تھا قائد محترم سے ملاقات کرنے کے لیے, اور کافی چیزیں ڈسکس ہوئی. یقین کریں میاں صاحب کو اتنا اپنی صحت کا جو فکر تھا, پریشانی نہیں تھی جتنی عوام کی. بیانیاں تو بتا دیں سر, 30 سیکنڈ میں بریک لینا ہے, کس کا بیانیاں چل رہا ہے پارٹی میں؟ 24 روپے کا شہباز شریف صاحب کا, نواز شریف صاحب کا بیانیاں, میاں نواز شریف کا چل رہا ہے اور میاں نواز شریف کا ہی چلنا ہے. چلیں پوائنٹ ٹیکن, اور میاں نواز شریف صاحب ہی لیڈر ہیں. میاں آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, رانا ارشد صاحب بریک کے بعد یہی کنٹینیو کریں گے, سٹے وِد اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم مسلم لیگ نون کے بیانیے کی بات کر رہے تھے. دونوں مہمانوں سے میری گزارش ہے کہ میرے پاس 3 منٹ ہیں, میں چاہوں گی پہلے رانا ارشد صاحب آپ ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, پھر لگائی صاحب کو میں اس پر ٹیک لیتی ہوں. جی رانا صاحب, جی سمیہ, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میاں نواشی صاحب ہی مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں, اور شباشی صاحب کے بھی وہ لیڈر بھی ہیں, بڑے بھائی ہیں, باپ کی جگہ پہ بھی ہیں. اسی طرح آپ نے بات کی مریم بی بی کی اور حمزہ شباز صاحب کی. حمزہ شباز صاحب جو ہیں وہ مریم بی بی کو بڑی بہن سمجھتے ہیں, وہ بڑی بہن ہیں. اور الحمدللہ جس دن میاں نواشی صاحب جیل جاتے ہیں, میاں نواشی صاحب کی گاڑی حمزہ ڈرائیو کر رہے تھے اور مریم بی بی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, اور آج بھی وہ اکٹھے جاتے ہیں. آج کا جو اجلاس تھا, پھر جو کل کا اجلاس تھا, میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کا ہی بیانیہ, اور بیانیہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, پاکستان کے آئین کی عزت ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی عزت ہونی چاہیے, اداروں کی عزت ہونی چاہیے. لیکن موجودہ حکومت جو ہے میں نہ مانوں کی ڈٹ لگا کر غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے. چینی ہمارے دور میں 50 روپے تھی, اب 75 روپے. چلے ٹھیک ہے رانا صاحب, پوائنٹ ٹیکن. لائی صاحب, آپ ابھی جس طرح کہہ دیا رانا ارشد صاحب نے کہ نواز شریف صاحب کا ہی بیانیہ چل رہا ہے, اور وہ بیانیہ وہی ہے ووٹ کو عزت دو. لیکن آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو واقعی ایسی لگتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کا کہیں نہ کہیں کوئی رول ہوگا یا نہیں؟ اس طرح کل کی تصاویر سے ہمیں کچھ حمزہ شہباز کے نظر آ رہا ہے کہ ایک سائڈ پر ہیں. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. حمزہ شریف, اگر حمزہ نواز شہباز شریف جو ہے وہ نہ ہوتے تو وہ تو گاڑی ڈرائیو کر کے لائے تھے, وہ ساتھ لے کر آئے ہیں, اور مریم نواز ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں, فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں, وہ بھائی کے ساتھ ہی آئی تھیں, ایسا نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ پارٹی لیڈرشپ میں ان کا وہ مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں, لیکن پارٹی کے سینئر نائب صدر جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی ہیں, نائب صدر مریم نواز ہیں, وہ بولیں گے, اور ان کی اگر ضرورت ہوگی, کوئی ان سے کوشچن ہوگا تو بات کریں گے, ورنہ. لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب کا بیانیہ نہیں چلا پارٹی میں, نواز شریف صاحب کو بھی ان کے فیصلے. اچھا چلیں, اگر ان کا کوئی بیانیہ تھا نہیں چلا ہے تو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ نہیں چلا. اگر شہباز شریف کا کوئی بیانیہ تھا تو نہیں چل سکا ہے, اور میاں نواز شریف کا بیانیہ چل رہا ہے تو یہ بھی مان لیتے, اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اگر دیکھیں, سیاست کرنا,
سیاسی عمل کی حفاظت کرنا, سیاسی قوتوں کو یکجا کرنا, اگر سیاست دانوں کی عزت کو بحال کرنا, اگر ووٹ کی عزت کو بحال کرنا, یہ ہے بیانیہ میاں نواز شریف کا, تو ویل اینڈ گڈ, اچھا ہے, ٹھیک ہے, اسی کو ہونا چاہیے. اگر میاں شہباز شریف کا اس سے الگ ہے کوئی بیانیہ تو نہیں چلنا چاہیے, ٹھیک ہوا ہے, نہیں چلنا چاہیے اگر ان کا بیانیہ ایسا ہے. حالانکہ ایسا بیانیہ نہیں ہے ان کا, وہ بھی اپنے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے بھی تو نہیں چلا تو تب بھی ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہی پارٹی میں چلنا چاہیے, چلنا چاہیے. پوائنٹ ایک. نظیر لگائی صاحب آپ کا بہت شکریہ, رانا شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, تمام مہمانوں کا شکریہ. پروگرام ہوتا ہے اور امید اور دعا یہی ہے کہ اگر حکومت نہیں تو اپوزیشن یا عوام کا درد محسوس کر رہی ہے تو کچھ نہ کچھ عوام کا بھلا ہو جائے. اسی نوٹ کے ساتھ ان شاء اللہ آپ سے ہوگی کل ملاقات. اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.